and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सुबह के बज चुके हैं 9। मुझे उम्मीद है कि आपका पिछला दिन बहुत अच्छा रहा होगा और ईश्वर से कामना करता हूं कि आज का आपका ये दिन भी बहुत अच्छा जाए। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी क्लासेस लगातार बढ़ती जाएंगी और उस रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम को 6 बजे एवरीडे मैराथन क्लास होती है। शाम को 6 बजे डेली मैराथन क्लास होती है, जहां पर शानदार भूकंप वाले क्वेश्चंस कराता हूं मैं। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, एनवायरनमेंट के, साइंस के, सारे टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। उसी प्रकार से सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ट्रिक वाली क्लास, जीके ट्रिक वाली क्लास सुबह स्टार्ट हो चुकी है। कितने बजे? 9 बजे, जहां पर हम बेहतरीन शानदार शानदार ट्रिक सीखेंगे। उसके अलावा आज डेट है 27 मई 2020। बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर मैं जीके खजाना वाली क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पर खूबसूरती से एक टॉपिक एवरीडे करेंगे और एक थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं 2-3 दिन के अंदर, बहुत ही जल्दी। वीडियो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों की बड़ी शिकायत होती कि सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, मुझे मालूम ही नहीं चलता कि कब वीडियो आ गया कब चला गया। उसका सबसे बेस्ट उपाय यह है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है संदीप सर जीके ऑफिशियल। टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा। 99,800 लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, 1,00,000 होने वाले हैं, आप भी जाकर जुड़ जाइए। तो उसका पहला फ़ायदा तो होगा टेलीग्राम में जुड़ने का कि आपको वीडियो आने के पहले तुरंत पता चल जाएगा कि कितने बजे कौन सा वीडियो आने वाला है, क्योंकि मैं डेली अपडेट करता हूँ एवरीडे एक एक वीडियो को। दूसरा उसका बेनिफिट ये भी होगा ज्वाइन करने का कि वहाँ पर डेली 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स की क्विज होती है फ्री में एवरीडे, और 10 क्वेश्चन की जीके स्टैटिक जीके की क्विज होती है फ्री में एवरीडे। साथ ही साथ वहाँ पर स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिलना स्टार्ट होने वाली है, और इसके अलावा वहाँ पर इंग्लिश का भी क्विज स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको मालूम है कि अंग्रेजों का, ब्रिटिश का मैसूर के साथ में 4 लड़ाइयां हुई थी। भाई साहब, अंग्रेजों की मैसूर के साथ 4 लड़ाइयां हुई थी। आपसे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला, चारों लड़ाइयां नाम पूछता है क्योंकि उनका नाम अजीब सा है। दूसरा, कब कब हुई। तीसरा, कौन कौन राजा था। चौथा, कौन कौन ब्रिटिश अधिकारी थे। और पांचवा, कौन सी संधि हुई। ये 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 5×20=25 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। लाइन से हम सीखेंगे चारों लड़ाइयाँ कब कब हुई, कौन कौन राजा था, कौन कौन ब्रिटिश अधिकारी था, कौन कौन सी संधि हुई थी, और सारी बातें। स्टार्ट करें क्लास को। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि अंग्रेजों और ब्रिटिश के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई थी। कितनी? 4। इंग्लिश में लिखते हैं एंग्लो मैसूर बैटल। क्या बोलते हैं? एंग्लो मैसूर बैटल, एंग्लो मैसूर बैटल। हिंदी में बोलते हैं आंग्ल मैसूर लड़ाई, आंग्ल मैसूर युद्ध। चारों का एक ही नाम है, एंग्लो मैसूर बैटल या आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर को मैसूर ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में एंग्लो और हिंदी में आंग्ल लिखते हैं। एक तो क्लियर हो गया, 4 हुई। आंग्ल मैसूर लड़ाई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। एंग्लो मैसूर बैटल 1, 2, 3, 4। दैट्स ऑल। क्लियर है? चलिए उसके बाद में कब से कब तक हुई। जो 4 लड़ाइयां हुई हैं ये 2-2 साल तक चलती थी, 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल। पहली हुई थी 1767 से 69, 2 साल। दूसरी हुई थी 80 से 82, 2 साल। 90 से 92, 2 साल। और 99 वाली तो 1 साल में ही ख़त्म हो गई थी। तो कब से कब तक, बहुत याद रखना। इस वीडियो से कम 25 से 30 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई साहब, याद कर लेना सारा। चारों लड़ाइयाँ कब से कब तक हुई और कितने साल चली। पहला 1767 से 69, 67 से 69। दूसरी 1780 से 82, 80 से 82।
तीसरी 1790 से 92 90 से 92 और चौथी हुई थी 1799 में, जो कुछ दिन में ही कंप्लीट हो गई थी। चारों लड़ाइयाँ ईयर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दो साल लास्ट वाली तो कुछ दिनों में ही फिनिश हो गई थी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है, उस टाइम पे कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, इम्पॉर्टेंट है। कौन था गवर्नर जनरल वायसराय, उस टाइम पे गवर्नर जनरल वगैरह कौन था, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर नहीं था, ना भारत का गवर्नर जनरल था, ना वायसराय था। उस टाइम पे जो पोस्ट हुआ करती थी उसे कहा जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन हुआ करता था, याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वही कान में डालोगे तो जलेगी। फिर से, कई बार होता ना कि कई लोग होते हैं वही बात कान में डालेंगे बार बार। जैसे कई लोग होते हैं कि कोई सामान खरीद लिया, कुछ क्या होती है मैंने देखा है, ठीक है, मस्ती में जाकर मैं बोल देना अलग चीज़ होती है, लेकिन कई लोग होते हैं कि कोई सामान खरीदेंगे ना तो बार बार मैंने ये खरीदा। मतलब आपके आसपास भी लोग होंगे कि अगर धोखा से आईफोन खरीदा अगर तो हाथ में लेके चलेंगे हमेशा, और वो हमेशा उसका मुँह ऐसे रहेगा। आईफोन का सिंबल दिखना मांगता है, आईफोन खराब हो जाए लेकिन उसका कवर नहीं लगवाएंगे, क्योंकि कवर लगवाएंगे तो उसका सिंबल हट जाएगा। तो आपने देखा होगा हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे हैं कई लोग कि जो बार बार उसी चीज़ को दिखाएंगे, उनके घर में जाओगे तो वही चीज़ जो उनके पास महंगी होगी बार बार, ऐसा। तो अगर आप कोई इंसान वही बातें कान में डालता है ना, तो इंसान जलने लगता है कि क्या है यार। जलने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उससे जेलस होता है, जलता है मतलब भाई साहब क्या है, वही बात, दिमाग का दही कर दिया टाइप का। लाइन सीखना है, वही कान में अगर जाएगा तो इंसान जलता है, या वही कान में जाएगा तो जलेगी। डन, चलिए ये WH पकड़ लो, यहां भी WH पकड़ लो, कान से कान, जलेगी से जलेगी, याद है। चलो, WH का मतलब है वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन का W, हेस्टिंग का H। पहली वाली लड़ाई में कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा भी WH है, दूसरी वाली लड़ाई में भी कौन था भाई साहब, वॉरेन हेस्टिंग। डन है, क्लियर है। चलिए तीसरा, कॉर्नवालिस, कान से क्या हो जाएगा, कॉर्नवालिस। डन, चलिए चौथे में हो जाएगा जलेगी, मतलब वेले जली, जलेगी, जली, वेले जली, याद रहेगा। पहली वाली में था कौन, वॉरेन हेस्टिंग, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग, तीसरे में कॉर्नवालिस, और चौथे में वेले जली, याद रहेगा हमेशा। वेरी गुड। नेक्स्ट ये है भाई साहब कि जो लड़ाइयाँ हो रही थी तो ऐसे ख़त्म नहीं होती थी, इनकी कुछ संधि होती थी, ट्रीटी होती थी, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में ट्रीटी संधि होती थी, और उस संधि के द्वारा लड़ाई ख़त्म होती थी। तो उन संधि का नाम क्या था, ट्रीटी का नाम क्या था, बिल्कुल सिंपल है, MDS मंगाओ रंग किसी का नाम होगा या कुछ होगा रंग से, या कि रंगनाथ कर लो कोई दिक्कत नहीं, रंगनाथ। डन, MDH मंगाओ रंगनाथ से, रंगनाथ कोई आदमी है, एक रंगनाथ की दुकान है, रंगनाथ की दुकान से MDH मंगाओ, ऐसी लाइन है। MDH मतलब हो जाएगा मद्रास, क्या हो जाएगा, MDH मतलब हो जाएगा मद्रास, MD मद्रास। डन, ठीक है। चलिए मंगाओ मतलब MG मतलब हो जाएगा मंगलोर, MG मंगलोर। रंग से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। जब मैंने आपसे MDS बोला मतलब मद्रास बोला, तो जो पहली वाली लड़ाई हुई थी वो मद्रास की ट्रीटी के साथ ख़त्म हुई थी, दूसरी वाली लड़ाई जो हुई थी, बैटल हुआ था वो मंगलोर की संधि ट्रीटी से ख़त्म हुआ था, और तीसरा हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से ख़त्म हुआ था। तो फोर्थ बोलोगे, फोर्थ में कोई संधि नहीं हुआ था, कोई ट्रीटी नहीं हुआ था, याद रहेगा। चलिए अब जितनी बातें मैंने बताई एक बार फटाक से रिवीजन कराता हूँ। ये लीजिए, टोटल कितनी लड़ाई हुई, 1 2 3 4। डन, पहली हुई 1767 से 1769, 1780 से 1782, 1790 से 1792, और 1799 में कुछ दिन में ही ख़त्म हो गई थी। याद रखना, इस वीडियो, एक वीडियो से कम 25 से 30 क्वेश्चन बन सकते हैं माय डियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन कौन ऑफिसर था, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेले जली, अभी ट्रिक बता दी मैंने।
संधि कौन सी हुई? पहले वाली में मद्रास की, दूसरे मंगलोर की, तीसरे श्रीरंगपट्टनम की, चौथे में कोई ट्रीटी कोई संधि नहीं हुआ। उस टाइम पे मैसूर की तरफ से कौन राजा था? पहले में था हैदर अली, दूसरे में हैदर अली लड़ाई कर रहे थे और बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी लड़ाई के टाइम पे। तो दूसरे में जो लड़ाई युद्ध हुआ था, मृत्यु हुई थी, उस वक्त टीपू सुल्तान की एंट्री हो गई थी दूसरे में, तीसरे में टीपू, चौथे में टीपू। क्लियर है? तो पहले में अकेले हैदर अली लड़े थे, दूसरे में हैदर टीपू मिलकर लड़े थे क्योंकि बीच लड़ाई में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो टीपू की एंट्री हो गई थी युद्ध में, तीसरे में अकेले टीपू, फोर्थ में अकेले टीपू। क्लियर है? डन है, सिंपल है, आसान है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। याद कर लेना, यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? चलिए, आपने ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।